हे, संभालो खुद को। तुम्हें पता है, जब जब तुम मेरे सामने आते हो, मेरा ये दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरे पेट में जैसे हजारों बटरफ्लाइज एक साथ उड़ने लगती हैं। तुम्हारी बाहों में आते ही ऐसा लगता है मानो ये मेरे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह हो। ये कहते हुए शार्वी ने अपनी दोनों बाहें आहान के गले में डाल दी और उसके होंठ आहान के होठों की तरफ बढ़ने लगे। ये सब तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम इस वक्त नशे में हो। आहान ने शार्वी के पतले नाजुक होठों को अपने होठों की तरफ बढ़ने से रोकते हुए कहा, कुछ इस कदर मुझे तुम में सिमट जाने दो, अब रोको ना मुझे यूं, खुद पर बिखर जाने दो। ये कहते हुए शार्वी ने धीरे से आहान के होठों को चूम लिया। मुंबई। आसमां को छू लेने वाली एक ऊंची इमारत के आलीशान केबिन में कांच की दीवार के पास खड़ा एक शख्स एकटक बाहर की ओर देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 27-28 साल के आसपास होगी। उसके एक हाथ में एक कॉफी का मग था और उसके दूसरे हाथ की उंगलियां मग के किनारों पर चारों तरफ लगातार घूम रही थीं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो शख्स किसी गहरी सोच में खोया हो। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉय ग्रुप्स का CEO आहान रॉय था। अचानक मैं कम इन बॉस की आवाज के साथ केबिन का डोर नॉक हुआ और आहान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। यस कम इन, इतना बोलकर वो पीछे घूमा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसका असिस्टेंट शोभित अंदर आया और बोला, सर आज आपकी मिस्टर वालिया के साथ 12 बजे मीटिंग है। और शोभित ने इतना कहा ही था कि आहान ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ या नहीं? ये सुनते ही शोभित जल्दी से बोला, अब सर हम पता लगा रहे हैं, शाम तक उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इतना सुनते ही आहान के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और उसने अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास, उसका पता चल जाना चाहिए वरना कल से तुम मुझे यहां दिखाई मत देना, अंडरस्टैंड? अब यस सर, शोभित हड़बड़ाते हुए जल्दी से बोला। तभी आहान की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, अब तुम्हें और कुछ कहना है नहीं तो तुम जा सकते हो। यह सुनकर शोभित जल्दी से बोला, सर मिस्टर जयराज मेहरा के यहां से पार्टी का इन्विटेशन आया है, आज शाम उनके बेटे रोहन की एंगेजमेंट पार्टी है। तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाता, आहान ने अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर जमाते हुए कहा। जी सर, पर आपके डैड चाहते हैं कि आप वहां जाएं, शोभित ने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो अंदर से कितना घबराया हुआ था और उसे वो कुछ शब्द कहने में ही कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी है। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम पहले वो काम पूरा करो, ओके? और अब तुम यहां से जा सकते हो। ये कहते हुए आहान ने एक नजर घूर कर उसकी तरफ देखा और वापस अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर गढ़ा ली। उसकी नजरों को देखकर शोभित यस सर कहते हुए जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली और अपने सीने पर एक हाथ रखते हुए कहा, अभी तो बच गया मगर शाम 6 बजे तक मैंने काम पूरा नहीं किया तो बॉस मुझे उठाकर इस ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। चल बेटा शोभित, लग जा जल्दी से काम पर। हेलो, ये कहते हुए उसने किसी को फोन लगाया और बाहर की तरफ चला गया। शोभित के बाहर जाते ही लैपटॉप पर काम करते आहान की उंगलियां अचानक ही रुक गई। उसने अपना फोन उठाया और उसमें एक तस्वीर देखने लगा। तस्वीर देखते ही उसकी गहरी काली आंखें अचानक से चमक उठी और उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जिससे उसके गालों पर पड़ने वाला हल्का सा डिम्पल नजर आने लगा जो उसके हैंडसम चेहरे को और भी हैंडसम बना रहा था। अचानक ही वो तस्वीर देखते हुए उसके लब कुछ बुदबुदा उठे, तेरा ख्याल ही काफी है बेचैन दिल होने को, तेरी एक तस्वीर ही काफी है तेरी आंखों में खोने को,
कुछ तो बात है इन खामोश निगाहों में तेरी, यूं ही नहीं मचलता ये दिल तेरा होने को। कहां हो आखिर तुम मिस कॉटन कैंडी? ये कहते हुए उसने अपना फोन वापस टेबल पर रखा और अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। दूसरी तरफ मुंबई के ही एक अपार्टमेंट में शार्वी, शार्वी उठना यार, देख अब उठ भी जा। अरे इतना कौन सोता है यार, वो भी अपनी ही एंगेजमेंट के दिन, 10 बज गए यार। ये कहते हुए वाणी ने शार्वी का ब्लैंकेट खींचा। कंबल के खींचते ही शार्वी ने अपनी नशीली सी आवाज में कहा, सोने देना यार वाणी, आज तो फैशन हाउस भी नहीं जाना यार। ये कहते ही शार्वी ने वापस से कंबल खींचकर अपने मुंह पर डाल लिया। शार्वी अब तो उठ रही है या मैं ये जग का पानी तेरे ऊपर डालूं? वाणी ने टेबल से जग उठाते हुए कहा। उठ रही हूँ यार, हद है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये कहते हुए शार्वी अंगड़ाइयां लेते हुए उठकर बैठ गई। उसकी खूबसूरत काली आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी, जिससे उसकी लंबी घनी पलके नींद से बोझल होकर बार बार झपक रही थी। उसके लंबे शाइनी ब्राउन हेयर उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने धीरे से अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी लो वॉइस में कहा, ओह नहीं, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है यार? दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा मैडम? कल रात तूने इतनी पी जो थी, कितनी मुश्किल से तुझे मैं यहाँ लेकर आई थी। अब ये ले नींबू पानी पकड़ और जल्दी से अपना ये हैंगओवर उतार और फ्रेश हो जा। अभी तेरे घर जाकर फैमिली ड्रामा देखना भी तो बाकी है। अब तक तो तेरी बड़ी मॉम ने घर में हंगामा भी मचा दिया होगा। ये कहते हुए वाणी ने शार्वी के हाथ में नींबू पानी का ग्लास पकड़ाया और रूम से बाहर निकल गई। अपने एक हाथ में ग्लास पकड़े और दूसरे हाथ से अपने सर को दबाते हुए शार्वी की आंखों के सामने कल रात का नजारा घूम रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो कल रात अपनी बचपन की दोस्त वाणी के साथ अपनी और रोहन की एंगेजमेंट की खुशी में पार्टी करने क्लब गई थी, जहां उसका सामना उसकी कजन और उसके दोस्तों से हुआ था, और उसकी कजन शिल्पा ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बहुत बेइज्जती की थी। उनकी कड़वी बातें सुनकर शार्वी का दिल पूरी तरह से निराशा में डूब गया था और उसकी झील सी गहरी आंखों में आंसू मोती की तरह झिलमिलाने लगे थे। और तब उसने सॉफ्ट ड्रिंक की जगह गलती से वोडका पी ली। शुरू में उसे बहुत अजीब फील हुआ, लेकिन उसके बाद उसने लगातार एक के बाद एक लगभग 4-5 शॉट लिए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से नशे में धुत हो चुकी थी। और वाणी उसे बड़ी मुश्किल से अपने फ्लैट तक लेकर आई थी, क्योंकि ऐसी हालत में अगर वो अपने घर जाती तो हमेशा की तरह उसकी बड़ी माँ अच्छा खासा ड्रामा करती। क्यों? उस घर में कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। 5 साल पहले उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद बस एक उसकी दादी ही है जो उससे प्यार करती हैं, उसकी फिक्र करती हैं। आखिर दादी और वाणी के अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में अपना कहने को? ये सब याद आते ही एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन सामने की दीवार पर लगी घड़ी पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसने फौरन अपने आंसुओं को पोंछा। उसे याद आया आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आज उसकी और रोहन की एंगेजमेंट है। कम से कम अब तो उसे वो प्यार और खुशी मिलेगी जिसके लिए वो आज तक तरसती आई है। ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से नींबू पानी पिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके सर में अभी भी काफी दर्द था। उसने तेजी से अपने सर को झटका और अपने कपड़े रिमूव करने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ी तो वो शॉक्ड रह गई। उसके नेक पर लव बाइट के निशान थे। उसने घबराकर एक बार फिर खुद को शीशे में देखा और खुद में ही बड़बड़ाई, ये मेरी नेक पर कैसे निशान है? और ये मेरे नेक पर कैसे आए? क्या कल रात मैंने नशे में किसी के साथ? ये ख्याल दिमाग में आते ही वो बुरी तरह से घबरा गई और खुद की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करते हुए कल रात हुआ क्या था ये याद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने पर बस कुछ धुंधली तस्वीरें उसके सामने आ रही थीं, कि जैसे वो किसी शख्स की बाहों में है और वो उस शख्स को पैशनेटली किस कर रही है। वो सोचने लगी आखिर कल रात हुआ क्या था उसके साथ, और वो शख्स कौन था जो उसके इतने करीब था। बहते पानी के नीचे खड़ी शार्वी अपनी आंखों को बंद किए धीरे से बोलती है, आखिर कौन हूं तुम?
nar 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 ehsaas tera har pal saath hai ab tu hi zindagi hai tu jaan hai ehsaas tera har pal saath hai अब तू ही जिंदगी है तू जान है आखिर कौन था वो और क्या हुआ था उस रात सार्वी के साथ जानेंगे तू जान है के अगले एपिसोड में। कहानी से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेवांश को।